अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू देयर। तो मैं दीपा पारेख आप सबका स्वागत कर रही हूँ हमारे चैनल में। वेल, ये बहुत टाइम के बाद हम लोग वीडियो रख रहे हैं, एंड इनफैक्ट मेरा ये वीडियो है जब मैं केरला जा रही हूँ। यस, आई एम एट द एयरपोर्ट। अभी जस्ट मेरा सिक्योरिटी चेक इन स्टार्ट होगा, एंड हाँ, इस बार मैं अकेली जा रही हूँ। आशा और वृष्टि नहीं आ रहे हैं मेरे साथ, बिकॉज मैं सिर्फ मम्मा को लेने जा रही हूँ, मेरी मम्मा को जो केरला में है अभी, कोची में है अभी, तो उनको लेके फिर कल मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, एंड आई विल हैव टू बी इन लाइन देयर। बोर्डिंग पास तो निकालना ही रह गया, सो लेट मी टेक आउट द बोर्डिंग पास फ्रॉम हियर। चलो, जो लाइन स्टार्ट हो गई है उसमें रहना है। पीपल आर देयर वेटिंग इन द लाइन। था बस मैं भी लाइन में आ गई हूँ विथ माई बोर्डिंग पास, विथ माई बोर्डिंग पास। तो बस अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, मेरा सिक्योरिटी चेक इन इज डन, एंड अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो वैसे एक्साइट तो होना चाहिए, बट पता नहीं क्यों वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, वृष्टि और आशु नहीं है इसीलिए, या पता नहीं, अकेली अकेली घूम रही हूँ एयरपोर्ट पे। बट या आई एम ट्राइंग टू एंजॉय दिस मोमेंट ऑल्सो, बिकॉज ये भी कभी कभार ही आता है। 2 साल के बाद में इनफैक्ट कोची जा रही हूँ। थोड़ी एक्साइटेड हूँ, बट थोड़ा दुख भी है कि मैं अकेली जा रही हूँ, ये दोनों नहीं है साथ में। अभी उन लोगों से बात ही हो रही थी कॉल पे, एंड मैंने जब पूछा कि आज दोनों क्या खाने वाले हो, तो दोनों एक दूसरे को जैसे है ना पूछ रहे थे कि हाइला हम क्या करेंगे खाना, ऐसी हालत है। सोचो, वेल क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा, तो अभी हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है, एंड आई शो यू देयर। पीपल आर वेटिंग इन लाइन, और हम लोग आराम से शांति से जाएंगे, बिकॉज मेरी सीट 23rd F है, बहुत पीछे है, तो जल्दी नहीं है। चलो एनीवेज, आई हैव टू गेट इनटू द लाइन। ये इंडिगो की बस यहाँ पे तैयार है, एंड यहाँ से सब लोग उतर के दे आर ऑल एंट्रिंग इन दिस बस। मैं भी आ गई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ फ्लाइट में, एंड इस बार ऑफकोर्स मिसिंग आशा एंड वृष्टि अ लॉट, बट जाएंगे जाएंगे हम लोग भी साथ में जाएंगे, जल्दी वेरी सून, बहुत सारी जगह पे घूमने जाएंगे। फाइनली इन कोची, एंड जस्ट अभी फ्लाइट लैंड हुआ है, एंड आई एम जस्ट मूविंग ऑन एंड ऑन। आफ्टर 2 ईयर्स मेरी जन्मभूमि में मैं आ गई हूँ फाइनली, एंड रियली फीलिंग वेरी गुड। इसकी खुशबू, बारिश गिर रही है, एंड इट्स रियली ऑसम। इसकी खुशबू ही अलग है यहाँ पे, सीरियसली, आई स्वेयर मैन, आई स्वेयर। वैसे ना मुझे फ्लाइट में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज इतना खटाला आता है। आई लव मूविंग इन ट्रेन्स, बट अभी क्या है कि रिटर्न अभी ट्रेन में ही है मम्मा के साथ, तो चलो टाइम नहीं था मेरे पास, बिकॉज ऑफिस भी छुट्टी नहीं मिलती है ज़्यादा, तो इसलिए मैं अभी एक वन टाइम फ्लाइट एंड वन टाइम बाई ट्रेन। तो चलो अभी चलते हैं, निकलते हैं एयरपोर्ट के बाहर। दैट वॉज माई फ्लाइट। बस अभी फ्लाइट से, एयरपोर्ट से तो बाहर निकली हूँ मैं, एंड अभी कैसा है कि यहाँ पे एक बस, मिनी बस होता है, शटल सर्विस होता है, जो अलवा करके एक जगह है वहाँ पे मेट्रो स्टार्ट होती है वहाँ से,
तो ये बस वहाँ पे लेके जाती है. तो लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग दिस टाइम जितना हो सके, भले टाइम कम है बट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द मैक्सिमम. सो बस अभी वहीं पे जा रही हूँ चल के टूवर्ड्स द बस एंड फिर बस का नज़ारा दिखा दूँ, बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम ही जाऊँगी ये शटल में. पहले नहीं था, अभी ये सर्विस शुरू हुआ है ऐसा बताया गया मुझे. तो चलो लेट्स एक्सप्लोर दैट ऑल्सो. तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हर बस जाती है ये मेट्रो स्टेशन तक, इसका नाम है KSRTC. जैसे अपने अहमदाबाद में GSRTC रहता है, यहाँ पे होता है KSRTC. और अभी जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला इट कम्स इन एवरी हाफ एन आवर. तो चलो लेट्स वेट. आई थिंक अब भी एक जस्ट बस गई, बिकॉज मैंने एक बस जाते हुए देखा. सो आई हैव टू वेट, बट लेट्स एक्सप्लोर दैट समथिंग न्यू, यू नो. एंड देर आई शो यू दैट्स रिटन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आई जस्ट लव दिस. जब भी मैं ये पढ़ती हूँ इतना अच्छा, इतना सुकून मिलता है ना वो जब कोचिन आता है ना. तो बॉस अभी बस से तो आ गई मैं एंड अभी मैं जा रही हूँ मेट्रो पे. मेट्रो से अभी आगे जाना है क्योंकि ये बस अलवा तक ही आती है और अभी आगे मुझे जाना है मेट्रो में. महाराजा करके एक स्टॉप है, वहाँ पे जाना है एंड देन फिर वहाँ से आगे 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 जर्नी शुरू हो जाएगी मेरी. तो बस अभी मेट्रो के लिए एस्केलेटर में जा ही रही हूँ. तो लेट्स गो देयर. और ये गई और ये आ रही. मैं पहुंच गई हूँ महाराजाज एंड अभी मैं जा रही हूँ मेरे पुराने नेबर्स के यहाँ पे, जिनके साथ बचपन से मैं पढ़ी हुई हूँ. और अभी उनके यहाँ पे मैं जा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगी. तो वो मुझे लेने भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे पहले जाऊंगी सबको मिल के, फिर वहाँ से उसके बाद घर पे जाऊंगी. तो मैं अभी महाराजाज करके जो स्टॉप है वहाँ पे पहुंच गई हूँ. देखिए यहाँ पे मंदिरों में ऐसा होता है कि जब यहाँ पे उत्सव होता है ना, तब ये देखो तालाब है और तालाब के बीच में मंदिर बनाया है. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. अभी बजे हैं 1:30 और बारिश का मौसम है खतरनाक, लेकिन बारिश आ नहीं रही. तो बारिश अभी आने की पूरी तैयारी में है और बादल जो हैं वो गिर चुके हैं, तो थोड़ी देर में शायद बारिश आ सके. और अभी दीपा गई है कोची, तो उसकी मम्मी को लेने के लिए गई है. और मायके जाता है तो कौन मज़े नहीं करता है. तो मेन तो पर्पज़, मतलब मेन जो खुशी उसे मिलती है वहाँ के मंदिर जाने की, हवेली जाने की खुशी, दर्शन करने की खुशी, जो बचपन से वहाँ पर वो जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारी सेवा करती थी. तो वहाँ 3 साल के बाद अभी दीपा वहाँ पर गई है और वृष्टि अभी कर रही पड़ा है. वृष्टि जी, तो विदाउट मम्मी कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है. नहीं क्यों? क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता ना, उनका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है. हाँ, बहुत सारी चीजों में मैटर करता है. आप जो कह रहे हो वो तात्पर्य अलग है, ये तात्पर्य मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो है वृष्टि, ये पानी वानी नहीं पीती, बहुत ही कम मात्रा में पानी पीती है. और उसकी मम्मी जब भी यहाँ पे होती है उसे फोर्स करती रहती है पानी पी पानी पी पानी पी, बहुत सारी बॉटल्स उसे ख़त्म करवाती है. लेकिन अभी नहीं है तो एक भी बॉटल लेके वो बैठी नहीं है अभी. मैं लेके नहीं बैठती, मैं जाके पी के आती हूँ. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है. लेकिन ये पता है. अच्छा हाँ.